वेलकम बैक टू गियरहेड ऑफिशियल। और आज मैं चला रहा हूँ बजाज पल्सर NX 400, विच इज़ द लेटेस्ट एडिशन टू द बजाज फ्लीट और 400cc कैटेगरी की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल आप कह सकते हो। इस सेगमेंट के अंदर जिस प्राइस रेंज में ये मोटरसाइकिल ऑफर हो रही है और जो जो फीचर्स ऑफर हो रहे हैं ना, वो भाई साहब आपको किसी भी बाइक के अंदर नहीं मिलने वाले हैं। तो 1.85 लाख एक्स शोरूम से ये मोटरसाइकिल शुरू हो जाती है एंड दिस प्राइस मेक्स इट दी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव प्राइस है कॉम्पिटिशन मोटरसाइकिल से। अगर आप चेक करोगे ये मोटरसाइकिल, बस प्राइस देखते ही आप इंस्टेंटली इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। अब लास्ट वीडियो जो है वो मैंने बना रखा है इसका कंप्लीट ओवरव्यू के ऊपर, तो अभी मैं इसको राइड कर रहा हूँ और सिटी में देख रहा हूँ अपने हिसाब से कि क्या परफॉर्मेंस और कैसी ये बाइक चलने वाली है। तो जल्दी से क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। पहले तो भाई डिज़ाइनिंग, इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड एंड हैविली बेस्ड ऑन दी NS सीरीज, बेसिकली NS 200 भी जो है उसी के फ्रेम के अंदर आपको डोमिनार 400 का इंजन देखने को मिल जाता है। बट NS 200 से ये मोटरसाइकिल जो है व्हील बेस में कम है। दैट मीन्स दिस मोटरसाइकिल इज़ मोर फ्लिकेबल। सिटी के अंदर अगर आप चलाओगे ना, आपको काटने में इस बाइक को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ट्रैफिक को काटने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और ये इस बाइक का एक प्लस पॉइंट बन जाता है। पर कहीं ना कहीं ये इसका एक छोटा सा नेगेटिव बन जाता है बिकॉज इसकी जो स्टेबिलिटी है वो हल्की फुल्की सी हैम्पर होगी वहाँ पे। अब क्योंकि ये मोटरसाइकिल थोड़ी सी शॉर्ट है लेंथ वाइज, हल्की सी मेरे को एग्रेसिव भी लग रही है, जिसकी वजह से इसके साथ एक काफ़ी अच्छा सा मेरे को एक स्पोर्टी कैरेक्टर यहाँ पे मिल रहा है। बट दैट मेक्स इट नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग राइड्स। सो अगर आप लॉन्ग राइड्स वगैरह प्लान करने वाले हो, इस बाइक को लेने की सोच रहे हो, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो सिटिंग पोस्चर है आपको, ऑल दो एग्रेसिव उतना ज़्यादा नहीं है बट नॉट एज कम्फर्टेबल एज अ यू नो स्पोर्ट्स क्रूजर मोटरसाइकिल, दैट इज़ डोमिनार। तो डोमिनार के कंपैरिजन में अगर आप टूरिंग सोच रहे हो तो दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। बट यहाँ पे जो एक स्ट्रीट नेकेड वाली जो फील आपको मिल रही है, एक न्यू कैरेक्टर एक बाइक को मिल रहा है, एक नई स्पोर्ट्स फील इसको मिल रही है, डिज़ाइन इसका एक एनहांस हो गया है, फीचर्स इसके अंदर काफ़ी सारे ऐड ऑन हो गए हैं, उसकी वजह से ये ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों की इंस्टेंट प्रायोरिटी बनने वाली है मोटरसाइकिल। 805 mm की सीट हाइट है। यू विल नॉट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू क्लाइंब ऑन दिस मोटरसाइकिल। अगर आप देखोगे तो मतलब शॉर्ट राइडर्स वगैरह को भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली इस मोटरसाइकिल के साथ। सो दिस मोटरसाइकिल इज़ ईजी टू राइड। अब डोमिनार से लगभग ये मोटरसाइकिल 18 किलो हल्की है, तो जिसका मतलब ये है कि भाई क्रूजिंग के मामले में चलो ठीक है, डोमिनार स्टिल एक भारी मोटरसाइकिल है, बट 18 किलो कम होने का मतलब यही है कि भाई ये बाइक जो है ना बहुत ज़्यादा मैनेजेबल मोटरसाइकिल है। बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल मोटरसाइकिल है और सिटी के अंदर, स्पेशली फॉर द सिटी, डोमिनार को चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, लेकिन सिटी के अंदर इसको चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं खुद एक डोमिनार ओन करता हूँ तो ना एक आलसपन आता है उस बाइक को निकालने में हमेशा ही, कि मतलब यार भारी बाइक है, ट्रैफिक वगैरह कंडीशन में चलाने में उतना मज़ा नहीं आने वाला, पर इसके साथ वो चीज़ मेरे को नहीं लगेगी। सस्पेंशन की बात करें, यू गेट अ USD गोल्डन सस्पेंशन इन द फ्रंट एंड रेयर में आपको मोनोशॉक मिल जाता है, अगेन एडजस्टेबल। तो डैम्पिंग क्वालिटी भी जो है वो इम्प्रूव की गई है और अब तो खैर NS 200 के अंदर भी आपको USD सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। सो टायर सेक्शन एक मेजर पॉइंट है इसका, बिकॉज इस बाइक के अंदर थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग भी करी गई है। टायर सेक्शन की बात करें तो फ्रंट में 110 सेक्शन का टायर मिलता है, रेयर में 140 सेक्शन का टायर मिलता है, अनलाइक द डोमिनार के अंदर आपको 150 सेक्शन का टायर मिलेगा। तो वो एक चीज़ यहाँ पे चेंज करी गई है सेक्शन वाइज एंड यू गेट द MRF टायर्स ऑन दिस मोटरसाइकिल। तो MRF टायर्स का रिस्पॉन्स, मैं अभी देखो बहुत ज़्यादा तो इसे उतनी अग्रेसिवली नहीं चला रहा, सिटी के अंदर चला रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही रिस्पॉन्स है अभी तक जितना मैं चला रहा हूँ इसको। बट अदरवाइज आई थिंक रबर कुड हैव बीन बेटर।
नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रेक्स, फ्रंट में आपको 320 mm की डिस्क मिल जाती है, रेयर में 230 mm की डिस्क मिल जाती है, एंड ब्रेकिंग कंपार्टमेंट जो है उसको ग्रेमिका ने संभाला हुआ है। ग्रेमिका के ब्रेक्स जो कि ऑलमोस्ट सारे ही बजाज के अंदर ऑफर हो जाते हैं, वही चीज़ आपको पल्सर 400Z विच इज़ द NS400Z के अंदर भी आपको वही चीज़ मिलने वाली है। तो ब्रेकिंग से बहुत ज़्यादा शिकायत तो है नहीं हमारी, पहले भी नहीं थी, एंड अभी भी जो मेरे को रिस्पांस वगैरह लग रहा है दैट इज़ क्वाइट गुड। ड्यूल चैनल ABS इसके अंदर मिल ही जाता है आपको, और इस बाइक के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से इस बाइक के साथ कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फीचर्स आपको काफ़ी अच्छे यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। फीचर्स की बात हो ही रही है, सो दिस इज़ द ब्रांड न्यू स्पीडोमीटर जो कि आप देख रहे हो, एंड इसके साथ ये ब्लू सा जो डिस्प्ले है ना, हल्का सा मेरे को ऑकवर्ड लग रहा एक्चुअली। बाकी डिस्प्ले बहुत क्लीन और बहुत नीट दिख रहा है, पर ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है। इसके अंदर आप इंफॉर्मेशन भी देख सकते हो जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, एंड दिस इज़ द रिवाइज सेटअप बेसिकली, जहाँ से हम इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको आप नेविगेट कर सकते हो। सो यहाँ से ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको देखने को मिल जाती है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिल जाता है, एंड यू कैन सी ऑन द बाइक इन्फो आपको राइडिंग मोड्स जो है रोड, स्पोर्ट, रेन एंड ऑफ रोड, ये सारे राइडिंग मोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं विथ द ट्रैक्शन कंट्रोल। सो यहाँ से आप ट्रैक्शन कंट्रोल सिलेक्ट करोगे एंड यू कैन टर्न इट ऑफ। तो मैं अभी ऑफ करके ट्रैक्शन कंट्रोल को चला रहा हूँ, एंड लॉन्ग प्रेस करोगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन हो जाएगा, एंड यहाँ पे सारे जो भी आपका मोड सिलेक्टेड है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है, यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल एंड एवरीथिंग। सो ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट ऊपर भी जल रही है, एंड ये सारे ही फीचर्स आपको इस बाइक में मिल जाते हैं। और भाई साहब आप ये सुनो ना कि 1.85 लाख के अंदर, मतलब 2 लाख 2 10 2 20 के अराउंड ये मोटरसाइकिल एक्चुअली ऑन रोड कॉस्ट करेगी, पर इस कॉस्टिंग के अंदर अगर आपको ऐसी बाइक मिलने वाली है तो भाई साहब मतलब क्या ही बात है, इतने सारे फीचर्स आपको और कौन सा ब्रांड ऑफर कर रहा है इस प्राइस के अंदर। तो ये ऑटोमेटिकली स्टैंड आउट हो जाती है। यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट भी देखने को मिल जाता है जो कि कुछ इस तरीके से ऑन होता है, और गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी आपको मिल रहा है यहाँ पे, RPM लाइन वगैरह एंड एवरीथिंग। सो दिस इज़ ऑल द इंफॉर्मेशन जो कि आपको इसके अंदर देखने को मिल रही है। अब एक चीज़ और है, दैट इज़ 12 लीटर ऑफ फ्यूल टैंक। तो 12 लीटर का जो फ्यूल टैंक है ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है लॉन्ग टूरिंग, अगेन जैसे कि मैंने बताया था अगर आप लॉन्ग टूरिंग सोच रहे हो तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि 12 लीटर का फ्यूल टैंक कंसिडरिंग कि ये 400cc मोटरसाइकिल है, एवरेज आपको अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 के बीच में आपको कहीं मिलने वाली है। रेंज कम हो जाएगी लॉन्ग टूरिंग में, ये एक चीज़ है कि रेंज आपकी कम हो जाएगी, तो ये प्रॉब्लम आप थोड़ी सी फेस कर सकते हो फॉर लॉन्ग टूरिंग। अदरवाइज जो लोग इसकी परवाह नहीं मारते एंड दे वांट टू फील द NS, ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा बन जाता है। फीचर्स के अंदर तो बजाज ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, एंड दीज मिरर्स आर सिमिलर टू द डोमिनार 400, सेम आपको मिरर्स मिल जाते हैं डोमिनार 400 के अंदर भी। तो ओवरऑल दिस इज़ अ कम्प्लीट पैकेज, और लुक वाइज ये मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, सबको ही पसंद आ रही है यहाँ पे देखने में, तो everyone likes this। Talking about the sitting comfort, मेरे को सीट से मतलब लगभग मेरे को 20-25 मिनट हो गए बाइक चलाते, तो सीट मेरे को कंफर्टेबल लग रही है, मैं टायर्ड फील नहीं कर रहा, नम फील नहीं कर रहा, तो सिटिंग मेरे को इस बाइक की ठीक लग रही है यहाँ पे। सो हेयर आर द रीजंस व्हाई यू शुड कंसीडर द बजाज पल्सर NS400Z एज योर नेक्स्ट मोटरसाइकिल। फर्स्ट इज़ द प्राइसिंग, ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल 400cc जो कि आपको इंडियन मार्केट में इस वक्त अवेलेबल हो जाएगी विद लोड्स ऑफ फीचर। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। सेकेंड इज द स्पोर्टी कैरेक्टर, जो लोग एक मतलब डोमिनार की तरफ नहीं जा रहे थे और उनको भारी लग रही थी वो मोटरसाइकिल, और NS सीरीज से काफ़ी ज़्यादा प्यार है लोगों को, तो वो लोग NS400 को अब ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिमिलर डोमिनार का इंजन आ गया है, लाइट वेट मोटरसाइकिल हो चुकी है, पावरफुल मोटरसाइकिल हो चुकी है,
और अगेन फीचर लोड हो चुके हैं इस मोटरसाइकिल के अंदर बहुत सारे। थर्ड पॉइंट इज कंपैरिजन। अगर आप इसे कॉम्पिटिटर्स के साथ चेक करोगे, जो ऑफरिंग इस बाइक के अंदर और हो रही है, बेसिकली सिमिलर पावर फिगर्स आपको मिल रही है जो कि डोमिनार के अंदर है, या फिर अगर आप होंडा की तरफ जाते हो उसके अंदर है, CB300R के अंदर, उससे तो ज़्यादा ही पावरफुल मिल रही है। यामाहा के पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं बचते, लेकिन इस प्राइस पॉइंट में उनके पास MT15 है, करेक्ट। तो 150cc मोटरसाइकिल और 400cc मोटरसाइकिल में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ ही जाता है, पावर फिगर्स का काफ़ी फ़र्क आ जाता है। सुजुकी को लेने की अगर सोच रहे हो तो वहाँ पे उनके पास जिक्सर आ जाती है, जो कि अगेन एक एक्सपेंसिव डील पड़ती है, थोड़ी सी आउटडेटेड है, और 250cc मोटर आपको मिलती है। लेकिन पल्सर सारे ही सेगमेंट को रूल कर रहा है यहाँ पे। RTR 310 की तरफ अगर आप जाते हो, फीचर्स ऑल दो उसके अंदर भी बहुत मिलते हैं, बट यहाँ पे अगेन आपको 40 PS की पावर मिलती है, वहाँ 35 PS की पावर मिलती है। तो अगेन NS जो है यहाँ पर भी जीत जाती है पावर फिगर्स में, और वाइब्रेशंस जो है RTR से थोड़े से बेटर यहाँ पे कंट्रोल किए गए हैं। तो मेरे को उस हिसाब से भी NS 400 जो है ये काफ़ी बेटर ऑप्शन लग रहा है। अब थोड़ी बहुत चीज़ें जहाँ पे ये मोटरसाइकिल मार खा रही है वो ये है कि एक तो इसका शॉर्टर व्हील बेस है, जिसका मतलब कि फ्लिकेबिलिटी तो इसकी काफ़ी अच्छी हो रही है, बट लॉन्ग टूरिंग के टाइम पे, हाईवे राइडिंग के टाइम पे थोड़ा सा स्टेबिलिटी इशू आपको लग सकता है। सेकेंड पॉइंट इज स्मॉलर फ्यूल टैंक, 12 लीटर का फ्यूल टैंक इसके अंदर आता है। अब इसके अंदर मतलब पावर तो दे दी गई है, जिसका मतलब एवरेज भी थोड़ी सी ड्रॉप होगी, तो रेंज आपको थोड़ी कम मिल जाती है। बट सबसे मेजर फैक्टर, सारी चीज़ें हटा दो अगर ये सब आपको परवाह नहीं है इन सब चीज़ों की, प्राइस पॉइंट जो है 1.85 लाख, उस प्राइस रेंज के अंदर इससे बेहतरीन मोटरसाइकिल आपको नहीं मिल सकती। सो दिस वॉज द ओवरऑल रिव्यू ऑफ द बजाज पल्सर NS 400Z। सो कैसी लगी ये बाइक कमेंट करके ज़रूर बताओ, और कोई भी क्वेश्चन इस बाइक के रिगार्डिंग ड्रॉप इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन Stay tuned.